नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 23 फरवरी 2021 और सुबह के 7 बजे हुए हैं। सारे ही स्टूडेंट्स अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार रहेंगे। चाय की चुस्कियों पर ध्यान मत दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा नोट्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। दोस्तों हमारी क्लास पढ़ना क्यों जरूरी है या इस क्लास को पढ़ने का क्या फायदा है, ये उन सारे ही बच्चों को पता है जो कि इस क्लास को आप लाइव लेते हैं, यानी कि आप इस क्लास को सुबह 7 बजे पढ़ते हैं। तो आपको खुद पता चलता है कि आपके वन डे एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको वैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों समय को व्यतीत किए बिना हम लोग इस क्लास को पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज 23 फरवरी 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों आज के आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके एक साथ लगे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या हाल ही में किस संस्था द्वारा निर्मित 100 K9 वज्र होविट्जर भारतीय सेना को सौंपा गया है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये हमारी इंडियन आर्मी का क्या है, एक टैंक है जो कि K9 वज्र होविट्जर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस राज्य में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपके प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो अभी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने अभी इस प्रकार का किसी भवन का निर्माण किया है। बाकी की थ्योरी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है, जिसमें की दुनिया भर के कई देशों की भाषाओं में 12 विषयों पर बच्चों को अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पासिक्स अभियान शुरू किया है। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा कि रशिया ईरान के नौसैनिक अभ्यास से भारत गया था, वहीं फ्रांस और इंडिया ने भारत के जैसलमेर में अभी सैन्य अभ्यास किया था, वहीं युद्धाभ्यास हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में पासिक्स नाम का एक नौसैनिक अभियान हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 में एकल खिताब जीता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ष में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम जो खिताब होते हैं उनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हाल ही में फरवरी के महीने में समाप्त हो गया है, 20 तारीख को इसका समापन हुआ, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी कल ही मैंने आपको इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मालदीव उन देशों में आता है जो कि सार्क के देश है, और इन देशों के तहत होने के तहत हमारा भारत लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को लगातार ही प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों नॉर्वे की जो सब्सिडियरी इंडिया में काम करती है उनके साथ फ्यूल सेल बनवाए गए हैं, जो कि बनाने के लिए भारत में समझौता किया गया है, जो कि 2026 तक भारत में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, जो कि अभी हाल ही में किसी अफ्रीकन देश के साथ भारत से समझौता हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट सिटी स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केरल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक ये योजना भी शुरू हुई है। तो दोस्तों ये आज के आपके क्वेश्चन है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, थ्योरी को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को इस बार की गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी लोग सारे स्टूडेंट्स, जैसे आप स्टूडेंट्स के लिए ये @modi_rozgar_2 जो आपका ट्वीट करने का अभियान चला है 25 तारीख को 25 फरवरी सुबह 11 बजे, तो सारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी मात्रा में जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे देख सकते हैं, तो वो सभी लोग इस पहल में शामिल होंगे। आप ही लोगों के लिए पहल की गई है, जिसमें कि सारे देश भर के इंस्टीट्यूट के एजुकेटर्स और ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर्स सारे ही आपके ट्विटर पे आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी इसमें आइए। हम लोग इसमें कोई पहल, मतलब हमने इसको प्रमोट नहीं किया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े एजुकेटर्स ने, सीनियर एजुकेटर्स ने इसको प्रमोट किया है, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को भी अपना ही साथ देना होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस संस्था द्वारा निर्मित 100 K9 वज्र होविट्जर भारतीय सेना को सौंपा गया है।
तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टोवर K9 वज्र होविट्जर टैंक है। तो ध्यान रखिए इस टैंक को बनाने का जो सौदा हुआ था 2017 में, 2017 में लार्सन एंड टब्रो जो आपकी कंपनी है, लार्सन एंड टब्रो जिसको LNT बोलते हो आप, LNT ने K9 वज्र होविट्जर टैंक के 100 ऐसे टैंक बनाने का समझौता हमारे DRDO के साथ किया था जो कि इंडियन आर्मी को प्रदान किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों LNT यहां पर सही आंसर होगा। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों K9 वज्र होविट्जर जो टैंक है, इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहला समझौता दोस्तों हुआ था 2017 में। 2017 में LNT ने DRDO के साथ मिलकर ये समझौता किया था और DRDO से ये जो समझौता किया गया, इसमें समझौते के तहत आने वाले वर्षों में दोस्तों ऐसे 100 टैंकर प्रदान करेगा LNT जो कि इंडियन आर्मी में क्या किए जाएंगे, अलग अलग यूनिट्स में शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों इस यूनिट में अगर देखा जाए, इस संस्करण में देखा जाए, तो अभी हाल ही में 100वां K9 जो आखिरी वज्र होविट्जर है, जो अगले पिछले 4 सालों में आपका LNT लगातार आपके K9 वज्र होविट्जर यान बना रहा है, टैंक बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा 100वां जो है लास्ट 100वां K9 वज्र होविट्जर जो है वो 2017 से अभी तक जो बन रहे हैं, तो 100th टैंक क्या कर दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में प्रदान कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इसको अभी हाल ही में जो एक्सेप्ट किया गया, जो 100वां आपका टैंक था वो गुजरात में आपके जो मनोज नरवणे जी हैं, जो कि आपके आर्मी चीफ है, मनोज नरवणे ने इसको गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर, जहां पर आपका एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसका नाम है बख्तर बंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स, वहां पर इसको हरी झंडी दिखाई और इंडियन आर्मी में आखिरी K9 वज्र होविट्जर टैंकर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी हाल ही में ये कहां पर शामिल किया गया, गुजरात के हजीरा में, हजीरा में बख्तर बंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स, में इसको हरी झंडी दिखाई गई और इसको इंडियन आर्मी में एट लास्ट औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों जगह का नाम, राज्य कौन सा है, गुजरात, और हजीरा में किया गया है। और दोस्तों किसने हरी झंडी दिखाई है इसको, दिखाई है आर्मी के चीफ मनोज नरवणे जी ने दिखाई है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर हो गया और ये आपकी इसकी थ्योरी होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में यहां पर जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, हाल ही में कल ही मैंने आपको CSIR के बारे में बताया था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और DRDO के बारे में तो अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर हम LNT की बात करें, जिसने कि ये आपका टैंकर बनाने का जो योजना बनाई थी 2017 में इन्होंने सौदा किया था DRDO से, जो LNT है दोस्तों, LNT की स्थापना 1938 में हुई थी। LNT की स्थापना 1938 में मुंबई बेस्ड की गई, और ध्यान रखिएगा दोस्तों LNT शुरुआत में LNT सेना के किसी भी प्रकार के उपकरण का निर्माण नहीं करती थी, लेकिन अब ये DRDO की मदद से, ये DRDO की सब्सिडियरी के रूप में भी कहीं कहीं पर ये काम करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके जो चीफ है वो आपके अनिल मदिबाई है, अनिल नायक इसके क्या है, चीफ है, जो कि इसके LNT के चीफ के रूप में कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, ये तो LNT हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको मैंने कल भी बताया था CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अभी हाल ही किसी एग्जाम में आपके ये भी पूछा गया था कि CSIR के जो मेन चीफ होते हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा CSIR के हमेशा से चीफ, जो कि 1942 में बनी थी, इसके हमेशा से चीफ प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 1942 में CSIR का गठन हुआ था, और इसके जो मेन जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही कौन होता है दोस्तों, हमेशा ही हमारे भारत के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके चीफ के रूप में कार्यरत होते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ये CSIR है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके जो अभी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं वो कौन है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कुछ दिनों पहले, शेखर मांडे इसके चेयरमैन के रूप में कार्यरत है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये CSIR कहां काम करती है, तो ये CSIR
ये CSIR दोस्तों कहाँ काम करती है तो ध्यान रखिएगा, ये CSIR थोड़ा ये नीचे हो गया, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए ये जो आपका CSIR है, ये CSIR दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, अगर DRDO की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को कई बार DRDO के बारे में बताया भी हुआ है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सबसे ज्यादा 53 इंटरनेशनल लेबोरेटरी रखने वाला संस्थान है DRDO, जिसका गठन 1958 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, चूंकि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ध्यान रखिएगा इसके चीफ कौन है, सतीश रेड्डी जी इसके क्या है, चीफ है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ये अब आपके लिए रिवीजन की तरह भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग कई बार इसको बार बार इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो L&T क्या कर रही है, L&T ने अपना 100वां K9 वज्र होविट्जर जो टैंक बनाया है वो हमारे इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। इनका सौदा पूरा हो चुका है, जो कि कौन से वर्ष में शुरू हुआ था दोस्तों, 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में पिछले ही वर्ष 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने HAL के साथ DRDO का एक समझौता करवाया। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था लास्ट ईयर 2020 में, कि 83 तेजस विमान, ध्यान रखिएगा 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस विमान है उसका भी सौदा एक किया गया है। और ये सौदा जो तेजस विमान का सौदा है दोस्तों, इंडिया का सबसे हल्का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, और इसको HAL बना रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है, जिसके लिए 4800 करोड़ का सौदा DRDO ने किससे किया है, आपका HAL से किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, रक्षा सौदों में अगर देखा जाए तो आज तक का भारत का सबसे रिकॉर्ड सबसे जो बड़ा सौदा हुआ है वो आपका ये 83 LCA तेजस का हुआ है, जो कि कौन बना रहा है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा है HAL के बारे में। सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, देखिए मैं एक ही चीज में बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉपी पर लेकर बैठा करें ताकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, HAL का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा हीरालाल वालचंदानी जी ने इसको इसका गठन किया था, और आपका जो HAL था 1940 में बना था। कौन से वर्ष में बना था दोस्तों, 1940 में इसका संगठन बना था, और वालचंद हीराचंद जी ने इसको बनाया था, वो इसके संस्थापक थे, और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहां पर है, बैंगलोर में है। ठीक है, सेना से संबंधित जितने भी मुख्यालय है वो मैक्सिमम या तो दिल्ली में है या फिर आपके कहां पर होते हैं, आपके बेंगलुरु में होते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ये आपका CSIR है, DRDO है, L&T है। L&T की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी, DRDO की 1958 में हुई थी, CSIR की 1942 में हुई थी, HAL का बना दोस्तों 1940 में बना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजारिश करूंगा दोस्तों आप लोगों से कि क्लास को आप लोग शेयर भी करते रहा करिए, ताकि इस क्लास को और अच्छे से बढ़ाया जा सके और ज्यादा आप लोगों के लिए सिस्टम यहाँ पर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस राज्य में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो आपके पर्यावरण मंत्री जो है, वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, अभी हाल ही में 18 फरवरी को ये 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, लक्षद्वीप गए थे। और लक्षद्वीप जब ये गए हैं तो वहां पर लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है, तो लक्षद्वीप में जाकर इन्होंने क्या किया है, वहां पर इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी ने राज्य में अटल पर्यावरण भवन की क्या की है, वहां पर उद्घाटन किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहां पर किया गया है, या ये कहा गया है लक्षद्वीप में। पहले ही हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ का जो मुख्यालय है वो जो राजधानी है कौन सी है दोस्तों, कवरत्ती है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चूंकि दोस्तों ये आपका एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल पटेल जी कौन है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आगे की चीजें दोस्तों हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, प्रकाश जावड़ेकर अभी हाल ही में ये कहां गए थे, ये लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। लक्षद्वीप की यात्रा पर जाने के दौरान इन्होंने वहां के जो पर्यावरण और वन जो वन और पर्यावरण विभाग है उसके जितने भी अपने पॉलिसीज बनाई है लक्षद्वीप को साफ रखने के लिए, इस प्रकार उन्होंने उसको सुना और अटल पर्यावरण भवन की क्या किया, इसका उद्घाटन किया।
उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनरली अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो फेमस आइलैंड है, लक्षद्वीप के जो फेमस आइलैंड है दोस्तों, यहाँ का एक फेमस आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड। और मिनिकॉय आइलैंड के साथ साथ यहाँ के जो और फेमस जो यहाँ के आइलैंड्स हैं उनमें आपके आते हैं कदमल बंगराम। ठीक है, कदमल और बंगराम, ध्यान रखिए, कदमल और बंगराम, बंगराम और मिनिकॉय आइलैंड, ये सबसे फेमस आइलैंड में आते हैं आपके लक्षद्वीप के। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, तो ध्यान रखिएगा ये लक्षद्वीप कौन से सागर में आता है। लक्षद्वीप आपका केरल का पड़ोसी है और अरेबियन सी में, इसको दक्षिणी भारत की तरफ अरेबियन सी में ये आपके द्वीपों का समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिनिकॉय की अगर बात करें तो मिनिकॉय नाम की यहाँ पर जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरा, मैं लक्षद्वीप के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, अगर एजुकेशन के लेवल में देखेंगे तो इंडिया में एजुकेशन का लेवल सबसे ज्यादा हाईएस्ट है केरल में, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज में यूटी में सर्वाधिक शिक्षा, यूटी में सर्वाधिक शिक्षित आपका यूनियन टेरिटरी है कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया अगर भारत पे सबसे ज्यादा बोलेगा तो वो अभी 2020 के हिसाब से, इवन 2011 के हिसाब से भी आपका केरल है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, तो सर्वाधिक शिक्षित जो जनसंख्या के हिसाब से है वो आपका यूनियन टेरिटरी कौन सा है दोस्तों, लक्षद्वीप। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो पॉपुलेशन यहाँ पर कम है जिसकी वजह से यहाँ पर शिक्षा का स्तर हाई है। ठीक है, वैसे दिल्ली में शिक्षा ज्यादा है लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग का। तो ये अरेबियन सागर में आता है जो कि केरल का पड़ोसी है। क्लियर है सभी का। तो ये हो गया आपका प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा किए गए अटल पर्यावरण भवन की शुरुआत। ये अटल पर्यावरण भवन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्थापित किया जा रहा है, और इसको कौन स्थापित करेगा दोस्तों, इसको वन और पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विभाग स्थापित करेगा, जो कि कहां पर स्थापित किया जाएगा, जो कि आपका मिनिकॉय में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर बात हम यहाँ पर अटल जी की कर रहे थे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अटल जी के नाम पर बहुत सारी भारत में योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, फिर आपका एक अमृत योजना भी आती है जो कि आपकी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ, रिजुविनेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके बारे में भी सुन लीजिए एक बार। एक भारत में एक मिशन चलता है जिसको हम बोलते हैं एम, एम का मतलब है दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन, और ये जो अटल इनोवेशन मिशन है दोस्तों, ये शुरू हुआ था कौन से वर्ष में, 2016। इसके तहत दोस्तों क्या हुआ, अटल इनोवेशन मिशन जब 2016 में स्टार्ट किया गया था, तो इसका उद्देश्य भारत के यूथ को, युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल होने और नए नए साइंटिफिक काम करने और नए नए क्षेत्रों में जो आपके विज्ञान से रिलेटेड है उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आपकी एम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मिशन और चला था जिसको बोलते हैं हम लोग अमृत मिशन। अमृत मिशन जो चला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अमृत मिशन भारत में शुरू किया गया था 2015 में, 2015 में, यह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किया गया था। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अमृत योजना शुरू हुई थी, ये योजना आप एमपी के नाम से याद कर सकते हो। एमपी में एक शहर है इंदौर, जो कि आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार चौथी बार इस बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि अमृत योजना को एमपी ने बहुत अच्छे से अपनाया, एमपी उड़ीसा इन राज्यों ने बहुत अच्छे से अमृत योजना को अपनाकर सीवेज व्यवस्था को बहुत अच्छा किया। सीवेज और जल की जो व्यवस्थाएं हैं वो अमृत मिशन के तहत ही लाई गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे कि अमृत मिशन के तहत कौन सा शहर टॉप पे आता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा शहर सबसे टॉप पे है, तो ध्यान रखिएगा इस समय उड़ीसा, उड़ीसा अमृत मिशन में सबसे आगे है। उड़ीसा ने सबसे ज्यादा अमृत मिशन का प्रयोग करके अपना विकास कार्य किया है। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज में दोस्तों चंडीगढ़ नंबर वन पे है। ठीक है, और मैं आपको पहले से बता दूं, चंडीगढ़ भारत का ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो अपनी विकास क्षमता को प्राप्त कर चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अमृत योजना को भी बहुत अच्छे से चला रहा था। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, एम मिशन क्या है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और अमृत मिशन जो रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए चलाया गया था आपका, तो ये आपके सीवेज और आपकी वाटर सप्लाई, जो स्वच्छ जल सप्लाई है उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये आपका अमृत योजना थी जो 2015 में स्टार्ट हुई। ठीक है, क्लियर है सभी का।
अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप की हो गई, अगर हम एमपी की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एमपी में के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला यहाँ पर एमपी के बारे में ध्यान से देखिएगा, अभी हाल ही में एमपी में मांडू नाम का त्योहार चलाया गया था, एक मांडू फेस्टिवल होता है दोस्तों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, धार जिले में मांडू त्योहार मनाया गया था। यह प्राचीन मांडू त्योहार है जो कि मांडू शहर की संस्कृति और उनके कल्चर को बढ़ाने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए मांडू त्योहार मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है, ठीक है, सभी का क्लियर है। और इसी मांडू शहर में, इसी मांडू क्षेत्र में यानी कि धार के क्षेत्र में अभी हाल ही में इंडिया का पहला जो डायनासोर पार्क बनाया गया है, जहां पर डायनासोर के जीवाश्म और डायनासोर के 24 अंडे रखे गए हैं, वो भी यहीं पर बनाया। तो इंडिया का फर्स्ट जो एडवेंचर पार्क है, इंडिया का फर्स्ट एडवेंचर पार्क जो बना है दोस्तों, ये एडवेंचर पार्क बना है मध्य प्रदेश के धार के मांडू के क्षेत्र में, जहां पर डायनासोर से संबंधित जीवाश्म, उनके फॉसिल्स और उनके अंडे भी शामिल किए गए। यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाए जहां पर इनको रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, सारे पॉइंट, बहुत सारे आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों ग्रुप डी के पेपर में आपके, जब ग्रुप डी के पेपर आएंगे जिनके भी है, ध्यान रखिएगा उन पेपर में आपके जनवरी की करंट अफेयर्स, फरवरी की करंट अफेयर्स और मार्च की करंट अफेयर्स जरूर आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की क्या रखी है, नींव रखी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों ये कहां किया गया है, ये किया गया है असम में। असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद जी, तो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद जी सोनोवाला ने अभी हाल ही में असम में एक जिला है असम का दिरांग, असम का एक जिला है जिसका नाम है दरांग। तो दरांग जिले में अभी एक भारत की पहली ही ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है जो कि दरांग डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिए दोस्तों ये पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय होगा। तो ये ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर इनकी हम लोग बात करें कौशल विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय में भी किसी भी कोई जॉब ओरिएंटेड काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अलग अलग देशों से भी समझौते किए गए हैं, जैसे जर्मनी से, आपका ताइवान से, जापान से, इजराइल से, इंग्लैंड से, उनसे भी समझौते हुए इस विश्वविद्यालय के लिए जो कि आपका दरांग डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और 12 अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी भाषाई आधार पर, जर्मन भाषा, ताइवियन भाषा, आपका इजरायलियन भाषा, तो इस भाषा में जो 12 सब्जेक्ट्स को लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है ये आपके असम के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? दरांग जिले में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स में शिक्षा देगा जो अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे। इस विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों जर्मनी से, इंडियन गवर्नमेंट ने जर्मनी से, इवन ताइवान से, इवन साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया के साथ साथ जापान से और दोस्तों इंग्लैंड के साथ क्या किया है, समझौता किया है कि इन देशों से स्टूडेंट्स को भी भेजा जाएगा और इनकी अपनी जो लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस को भी दरांग डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होने वाले जो कौशल विश्वविद्यालय है इनमें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके असम के कहां पर स्थापित हो रहा है? दरांग जिले में स्थापित हो रहा है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर इनकी हम लोग बात करें दरांग जिले में इसकी स्थापना की बात करें, तो अभी तो इसकी नींव रखी गई है, लगभग 2026 तक ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये विश्वविद्यालय तैयार हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो इन चीज को ध्यान रखा करिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये तो दरांग जिले का हो गया। अगर हम लोग असम की ही बात करेंगे तो आपको मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पढ़ाया था महाबाहु ब्रह्मपुत्र एक योजना चलाई गई है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना चलाई गई है जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी था। ब्रह्मपुत्र योजना चलाई गई है जिसके तहत असम जिले में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना के तहत, इस योजना के तहत धुबरी नाम का जो जिला है, मैंने आपको यही बताया था, धुबरी नाम का जो जिला है असम का जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, धुबरी यानी असम से लेकर मेघालय तक ब्रिजेस डाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ ईस्टर्न असम और
अरुणाचल के बीच में भी ब्रिजेस डाले जा रहे हैं, तो वो किसके तहत हुआ था दोस्तों? महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना, जो कि आपके असम में चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर असम की हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स की, तो असम में अगर जिस तरीके से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना के तहत असम और मेघालय के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज डाला जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग पूर्वी साइड देखेंगे तो धौला सादिया ब्रिज, जो कि इंडिया का बहुत फेमस ब्रिज है, धौला सादिया ब्रिज असम और अरुणाचल के बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद वो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग असम की, तो असम में सबसे ज्यादा जो फेमस नेशनल पार्क है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, आपका नमेरी नेशनल पार्क, इसके साथ साइखोवा डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, और इसके साथ साथ आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य असम के सबसे फेमस नेशनल पार्क है। इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो असम के गुवाहाटी की अगर बात करते हैं, तो असम के गुवाहाटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बनने वाला एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है दोस्तों गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे नौ जितने भी जो सात राज्य है सेवन सिस्टर्स के, उनके लिए एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, कहां पर? गुवाहाटी बना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपका गुवाहाटी में ही बना हुआ है, और ये मालीगांव गुवाहाटी में बना हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गुवाहाटी का जो NIIT है, वही के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था डी उदय कुमार, जिन्होंने 2010-11 के दौरान सबसे पहले प्रस्ताव दिया था, इंडियन रुपी का साइन बनाकर उन्होंने दिया था, किस प्रकार का र बनाया था, तो ध्यान रखिए वो भी आपके गुवाहाटी से ही रिलेटेड थे, जो अभी आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। ठीक है, सभी को क्लियर है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीजें एग्जाम में आपको बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है अभी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए दोस्तों हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल में एक योजना शुरू की गई है, जिस योजना का नाम है माँ, आप लोगों को मैंने बताया था, एक माँ योजना ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में शुरू करी है, जिसके तहत माँ योजना के तहत गरीबों को, जो कि लोग निराश्रित हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है, तो गरीबों और निराश्रितों के लिए माँ योजना जो शुरू की गई है, इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को एक थाली भर पेट खाना खिलाया जाएगा, जिसमें उनको चावल दाल सब्जी और अंडा करी दी जाएगी, और इस तरीके से माँ योजना दी जाएगी। ममता बनर्जी जी की सरकार का कहना यह है कि माँ योजना के तहत 15 रुपए की वो सब्सिडी देंगे हर प्लेट पर, और 5 रुपए लागत पर उस किसी भी गरीब को खाना मिल सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी हाल ही में कहां पर किया गया है, आपका पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, ताकि क्लास को अच्छे से चलाया भी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पासिक्स अभियान शुरू किया? ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पासिक्स अभियान की हम लोग बात करें, तो ये पासिक्स अभियान इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है, इनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पासिक्स अभियान जो है ये किसके बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच इस प्रकार के अभियान को, जो कि आपका नौसैनिक अभियान है, इसको चलाया जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? चले इसके बारे में दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो पासिक्स अभियान हुआ, ये इंडियन नेवी ने जो अपना यान यूज किया था, अपना शिप यूज किया था, उसका नाम था INS तलवार को यूज किया गया, जो कि आपके इस नेवल एक्सरसाइज में यूज किया गया है। और अगर दोस्तों बात करें हम लोग इंडोनेशियन नेवी की, तो इंडोनेशियन नेवी की अगर बात करें, तो इन्होंने अपना मल्टी क्रूज शिप यूज किया है, जो कि इनका शिप था दोस्तों मल्टी रोल कॉर्वेट KRI। ठीक है, इन्होंने अपना जो यूज किया है मल्टी रोल कॉर्वेट KRI, तो मल्टी रोल कॉर्वेट KRI, इसको बुंग तोम भी कहते हैं, तो ध्यान रखिए बुंग तोमो इसका पूरा नाम था, तो इसको इन्होंने इस नेवल एक्सरसाइज में क्या किया है, यूज किया। ठीक है, तो ये आपका पासिक्स एक्सरसाइज है, जो इंडियन नेवी और आपकी इंडोनेशियन नेवी के बीच में INS तलवार इंडिया की ओर से, और आपका मल्टी रोल कॉर्वेट बुंग तोमो जो आपका शिप है, इस शिप को यूज किया गया था इस अभ्यास में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास, ये हुआ है अरेबियन सी में। वैसे तो जनरली इसका प्रस्ताव पहले, जब ये शुरू किया गया था, तो इसका प्रस्ताव जब सबसे पहले इसको शुरू किया जा रहा था, तो प्रस्ताव इसका दोस्तों रखा गया था हिंद महासागर की ओर, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको अरेबियन सागर में ही किया जाता है।
ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं, तो इसको क्लियर रखा करिए और पढ़ते रहिए मन लगा के, और हमेशा क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका मासिक अभियान चला है ये 18 फरवरी को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में शुरू किया गया था, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये हो गया आपका आपका पासिक अभियान, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पासिक अभ्यास है ये किस लिए बनाया गया है, ये जनरली इंडिया और इंडोनेशिया के ट्रेड सिस्टम को अच्छा करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ जो पासिक अभ्यास होता है दोस्तों, परिचालन अंतर को और आपका समग्र सहयोग मतलब आपसी सहयोग द्विपक्षीय सहयोग को बनाए रखने के लिए अरेबियन सागर में इस सैन्य अभ्यास को किया जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी का। उसके बाद दोस्तों अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हम कोई भी नेवल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चाइना के साथ हम केवल एक ही एक्सरसाइज करते हैं जो कि आधिकारिक थी, हैंड इन हैंड। मैं आप लोग को बहुत बार इसके बारे में बता भी चुका हूं कि हैंड इन हैंड ये इंडियन मिलिट्री और चाइनीज आर्मी के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, ठीक है। दोस्तों अगर मालदीव्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मालदीव्स की राजधानी है माले, मालदीव्स की राजधानी दोस्तों माले, और मालदीव्स की जो सैन्य अभ्यास है इंडिया और मालदीव्स के बीच होता है उसका नाम है दोस्तों इक्वेरियन, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेरियन एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जैसे कि इंडिया अन्य देशों के साथ करता है वैसे इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेरियन नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, सभी का क्लियर है तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इक्वेरियन नेवल एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में होती है, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में घटती है घटित होती है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों इक्वेरियन की बात करें तो ये 2009 से ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है। दोस्तों अगर हम लोग इंडोनेशिया की बात करें तो हम लोगों ने अपने अभी पढ़ी लिया हम लोगों ने पासिक्स, अगर अन्य देशों से बात करें अभी हाल ही में होने वाले सैन्य और नेवल एक्सरसाइज जो थे, अभी इंडिया ने इंडिया और ईरान और रशिया के बीच में जो आपका अभी नेवल एक्सरसाइज चल रही थी जिसको दुनिया की ऐसी नेवल एक्सरसाइज कहा गया जिसमें दुनिया का कोई भी देश स्वेच्छा से क्या हो सकता है शामिल, तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी की एक टुकड़ी ईरान और रशिया के बीच में होने वाले नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुई थी जो कि आपका मल्टी कंट्रीज नेवल एक्सरसाइज था जो कि इंडिया और ईरान और रशिया ने मिलकर किया है जिसमें चाइना भी शामिल हुआ है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास भी हुआ था दोस्तों, इसको युद्ध अभ्यास कहते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। युद्ध अभ्यास इस बार राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था और ये युद्ध अभ्यास इंडिया और किसके बीच में होता है दोस्तों, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है और ये सैन्य अभ्यास एक बार यूएसए में और अगले साल आपका इंडिया में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में फ्रांस और इंडिया के बीच में भी सैन्य अभ्यास हुआ था जो कि राजस्थान में ही किया गया था, फ्रांस और इंडिया के बीच भी संयुक्त सैन्य अभ्यास किए गए थे जो कि आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज था जो कि रात के समय किया गया था, मतलब कि वो नाइट फ्लाइट्स की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिए जिसमें आपके इंडिया फ्रांस दुनिया के एकमात्र ऐसे देश बने हैं, पहले देश है जिन्होंने अपनी एयरफोर्स की एक्सरसाइज में एक ही प्रकार के समान अभियान में इन्होंने समान हथियारों का प्रयोग किया और समान हेलीकॉप्टर मतलब फाइटर प्लेन्स का प्रयोग किया था जिसमें राफेल विमान को फ्रांस और इंडिया ने एक साथ सैन्य अभ्यास में यूज किया था, ये देखने के लिए कि किसके पायलट्स अच्छे से इस सैन्य अभ्यास में टेक पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं। तो सभी लोग क्लास को दोस्तों शेयर भी करते रहा करें क्योंकि आप लोगों के शेयर पर ही ये क्लास आगे डिपेंड करती है कि क्लास कितनी ज्यादा बढ़ेगी और किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि उद्देश्य बहुत सारे हैं दोस्तों क्लास को और तरीके से लाने के, जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिकल इसका और अच्छे से करना है, लेकिन उसमें आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस में ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 में एकल खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है अजीब प्रकार का आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ कोई एक तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर नाओमी ओसाका भी है और नोवाक जोकोविच में, अगर फीमेल्स में देखेंगे दोस्तों तो फीमेल्स में किसको मिला है, फीमेल्स में मिला है नाओमी ओसाका को, फीमेल्स में ये जीती है, और जो नोवाक जोकोविच जीते हैं ये आपके मेल्स में जीते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है। तो नोवाक जोकोविच इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने 9वीं बार जीता है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें बता देता हूं, जैसे अगर नाओमी ओसाका की बात की जाए दोस्तों तो ये कहां की प्लेयर है, ये जापान की प्लेयर है और लास्ट ईयर आपके 2020 में भी ये बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इन्होंने 2020 में यूएस ओपन जीता था, ठीक है, तो 2020 में इन्होंने ध्यान रखिएगा इनके पास 4 ग्रैंड स्लैम इनके नाम अभी तक हो चुके हैं
और इस समय आपको पता होगा या मैंने आपको बताया था, इस समय जो फोर्ब्स की पत्रिका की जो सूची है दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स आपके खिलाड़ियों की, उसमें रोजर फेडरर नंबर वन पे है, ठीक है। और अगर हम लोग फीमेल्स में देखें तो नाओमी ओसाका इस समय फोर्ब्स पत्रिका की सबसे अमीर खिलाड़ियों में इनका नाम आया है, सबसे अमीर यही है नाओमी ओसाका जो कि जापान की प्लेयर है। चार ग्रैंड स्लैम इनके नाम हो चुके हैं दोस्तों। अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम में देखें तो इन्होंने एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दो जीते हैं, दो ऑस्ट्रेलियन ओपन में, एक इन्होंने 2019 में जीता था और एक 2021 में जीता था, ठीक है। ये इनके दो ग्रैंड स्लैम हो गए अभी, 2021 का एक और एक 2019 का, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा अगर इनके दो अन्य ग्रैंड स्लैम की बात करें तो वो इन्होंने यूएस ओपन जीते हैं जो कि एक 2018 में, जो कि इनका पहला ग्रैंड स्लैम था, और एक अभी लास्ट ईयर 2020 में भी इन्होंने जीता था। तो इनके पास चार ग्रैंड स्लैम है दोस्तों, जो कि जापान की प्लेयर है और इंटरनेशनल प्लेयर है नाओमी ओसाका, ठीक है, क्लियर है सभी का। इन्होंने इस बार किसको हराया दोस्तों, इस बार इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया, इस बार इन्होंने किसको हराया, जेनिफर ब्रेडी को हराया, जेनिफर ब्रेडी जो कि फाइनल में इनसे हारी है, जो कि यूएसए की खिलाड़ी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखा करिए और मन लगा के पढ़ते रहा करिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं जेनिफर ब्रेडी, जेनिफर ब्रेडी जो कि अमेरिकन प्लेयर थी वो इनके हाथों फाइनल में क्या हुई है, हारी, ठीक है दोस्तों। अभी बात आती है किसकी, अभी बात आती है मेल्स प्लेयर की, तो ध्यान रखिए दोस्तों नोवाक जोकोविच की बात करते हैं। नोवाक जोकोविच ने अभी हाल ही में 20 फरवरी को अपना फाइनल खेला और 20 फरवरी 2021 को फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपना 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दूं 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि आपके नोवाक जोकोविच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में इतने ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी ने नहीं जीते। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो ये इनका 18वां ग्रैंड स्लैम था, ये इनका 18वां ग्रैंड स्लैम है अभी तक के इनकी कैरियर का, ठीक है दोस्तों, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा नोवाक जोकोविच ने अभी इस बार किसको हराया, तो इन्होंने डेनिल मेदवेदेव को हराया, डेनिल मेदवेदेव जो कि रनर रहे हैं, रनर मीन्स आपके जो फाइनल में इनसे हारे हैं वो है डेनिल मेदवेदेव, ठीक है दोस्तों। अब ये पॉइंट्स बन गए, अब यहां पर कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स और बनते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच 18वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गए खिलाड़ी है ये सबसे ज्यादा जीतने में। अगर आपको मैं बता दूं मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम दुनिया में किसने जीते हैं, तो वो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोस्तों। किसने किसने, रोजर फेडरर ने भी 20 जीते हैं, और रोजर फेडरर के बाद नडाल भी दुनिया में 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के दो एकमात्र प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आपके तीसरे नंबर में नोवाक जोकोविच है जो कि 18वें ग्रैंड स्लैम अपना ले चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर नडाल की बात करें तो फ्रेंच ओपन का बेताज बादशाह ही है, और नडाल पिछले 13 सालों से फ्रेंच ओपन लगातार जीते आ रहे हैं, और 13 फ्रेंच ओपन एक साथ जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं आपके कौन से, रोजर फेडरर, वो सॉरी राफेल नडाल जो कि फ्रेंच ओपन जीत रहे हैं, और 13 फ्रेंच ओपन जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके हाथ पे है, नडाल के हाथ पे। दोस्तों अगर रोजर फेडरर की अगर हम लोग बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलियन हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, अब बचा आपका कौन सा, आपका बचा विंबलडन बचा है, और आपका विंबलडन बचा अमेरिकन बचा है। तो ध्यान रखिएगा यूएस और आपका विंबलडन की बात करें तो आपको मैं बता दूं विंबलडन और यूएस में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, रोजर फेडरर के नाम है, जिसमें इन्होंने विंबलडन में 8 विंबलडन जीते हैं, और यूएस में इन्होंने 5 यूएस ओपन जीते हैं, जहां पर यूएस ओपन में मैं आपको बता दूं पीट सम्प्रास भी है, पीट सम्प्रास के बाद ही 5 आपके यूएस ओपन है, तो वहां पर ये संयुक्त रूप से है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, 8 जीतने वाले विंबलडन जीतने वाले रोजर फेडरर है, यूएस ओपन 5 जीतने वाले पीट सम्प्रास और रोजर फेडरर है, मैक्सिमम आपके जीतने वाले फेडरर और नडाल है, 13 फ्रेंच ओपन जीतने वाले नडाल है, अगर 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन रिकॉर्ड तोड़ जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविच है। यही कारण था लास्ट ईयर जब ये हार गए थे, आपका जब ये हारे थे तो इन्होंने अपना रैकेट फेंका था जो कि वहां पर रेफरी के जाके मुंह में लग गया था, तो उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाओमी ओसाका और इतना सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ध्यान रखिएगा कुछ एक हिस्से और होते हैं जो कि मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा कि डबल्स और आपका जो डबल्स मैन और डबल्स वुमेन जरूर पढ़ लिया करिए, एक बार देख लिया करिए, क्योंकि वो चीजें एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर डबल्स और मेंस और वुमेन्स की बात करें
तो डबल्स में जो मेंस जीते हैं वो है आपके इवान डोडिक और आपके फिलिप पोलेक, ये आपके डबल्स जीते हैं मेंस में। और फीमेल्स में अगर देखेंगे तो एलिस मार्टिन्स और एरिना सेबलेंका जो है ये आपकी फीमेल्स डबल्स जीती हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मैंने आपको कल ही बताया था, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अगर आप लोग बात करेंगे दोस्तों तो ये कब मनाया जाता है, ये 21 तारीख को मनाया जाता है। मैंने आपको कल ही बताया थी, ये तीनों ही डेट के बारे में बताया था, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन आज ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसको कि मैं आपको बता दूं जिसको कि डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, जिसको कि यूनेस्को ने 1999 में डिक्लेयर किया था कि दुनिया में एक नया दिन मनाया जाएगा जो कि आपका होगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था 1999 में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को क्या है दोस्तों, तो यूनेस्को ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का संगठन कहाँ पर है, यूनेस्को का संगठन पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यूनेस्को का गठन कब हुआ था, 1945 में हुआ था। ठीक है, और यूनेस्को की चीफ की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ऑद्रे एजोले इसके क्या है, चीफ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 21 फरवरी को आपका मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। उसके बाद अगर दोस्तों 20 तारीख की बात करें तो कल की बात थी, तो कल मैंने आप लोग को बताया था 20 तारीख का क्या मनाया जाता है दोस्तों, 20 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा ही था। ठीक है, और इसके बाद अगर 22 फरवरी की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है कब, आपका 22 तारीख को मनाया जाता है। क्लियर हो गया सभी का, तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 21 फरवरी को जो आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया है, इसका अपना जो थीम था वो थीम था शिक्षा और समाज में मल्टी लैंग्वेज मतलब होता है दोस्तों बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, आप लोगों ने देखा अभी मैंने आपको कौशल विश्वविद्यालय बताया, तो कौशल विश्वविद्यालय में जो 12 सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, तो उसमें अलग अलग देशों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी शामिल की जाएंगी, जिसको बाहर के देश के बच्चे पढ़ेंगे तो उसे क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेजिज्म होता है, या फिर उसको हम लोग बहुभाषावाद कहते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि कौशल विश्वविद्यालय जो शुरू किया जा रहा है। तो इसका जो विषय था, जो थीम था इस बार का, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, या फिर इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके थीम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार का थीम कौन सा था, इस बार का थीम ये था। ठीक है, क्लियर है सभी का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव को अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बता दूं मालदीव क्या है दोस्तों, मालदीव सार्क में आने वाला एक देश है। ठीक है, सार्क क्या है दोस्तों, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं दक्षेस, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दक्षेस भी कहते हैं। इन संगठन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन भारत चूंकि बड़ा देश है, सार्क के 8 देशों में भारत सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा विकसित भी है, तो भारत इसके तहत मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है दोस्तों LOC कहते हैं इसको, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है एक तरीके से अपने अड़ोसी पड़ोसी देश की, अपने से छोटे देश की वित्तीय सहायता करना ताकि वो अपना कुछ विकास कर सके या कुछ कर सके। तो अभी हाल ही में लाइन ऑफ क्रेडिट में 363 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इंडिया ने किसको, मालदीव को। और इसके पीछे इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मालदीव अपनी समुद्री सुरक्षा, मालदीव क्योंकि मालदीव एक आइलैंड है, मालदीव को अपनी समुद्री सुरक्षा, अपनी समुद्री सुरक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना।
समुद्री सुरक्षा को विकसित करने के लिए इंडिया ने इनको क्या किया है, इंडिया ने इनको दिया है क्या, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है 363 करोड़ रुपए की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 363 करोड़ रुपए की जो इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है उसके तहत ये क्या करेंगे, ये अपने देश को जो समुद्री बॉर्डर है उसको क्या करेंगे, ये अपनी नौसैनिक शक्ति से उसका विकास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका 363 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं ये भारत सरकार ने कहां से दिए हैं, तो ये देने के लिए दोस्तों होता है एक्सिम बैंक। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ध्यान रखिएगा, इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूं आपको। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, ये कौन सी बैंक है दोस्तों, इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, जिसका गठन 1982 में किया गया था, 1982 में इसका गठन हुआ था एक्सिम बैंक का। और आपको मैं बता दूं ये बैंक करती क्या है, ये दुनिया के मतलब एशिया के अल्प विकसित देश यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको ऐसे बोलते हैं दोस्तों, तीसरा विश्व यानी कि विकासशील देश और चौथा विश्व यानी कि अल्प विकसित देश, चौथे विश्व की मदद करना, की वित्तीय मदद करना, इसकी जो डेफिनेशन आती है दोस्तों ऐसे ही आती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको याद कर लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान रखिएगा आपका तीसरा विश्व यानी कि विकासशील देश और चौथा विश्व यानी कि अल्प विकसित देश की वित्तीय सेवा और सहायता करना एक्सिम बैंक का काम होता है, जो कि आपकी 1982 में स्थापित हुई थी। ठीक है, सभी का क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सार्क की। सार्क की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें टोटल देश कितने होते हैं दोस्तों, 8 देश है। ठीक है, इसका गठन 1985 में किया गया था। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों, इसके संस्थापकों में बांग्लादेश के एक नेताजी थे जिनका नाम था शेख जियाउर रहमान। तो शेख जियाउर रहमान जी ने सलाह दी थी कि हमें साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन मतलब कि आपका क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक संगठन बनाना चाहिए, जिसके संस्थापक के रूप में कौन आया, बांग्लादेश आया। ठीक है, तो बांग्लादेश इसके फॉर्मेशन कंट्रीज में आते हैं, सबसे बड़ा देश इसमें भारत है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, मुख्यालय इसका काठमांडू में है। मुख्यालय कहां पर है इसका, काठमांडू में है। ठीक है, अगर इसके देशों की बात करें तो सार्क में टोटल कितने देश है दोस्तों, 8। सबसे नया देश जो इसमें है, जो सबसे बाद में आया था, पहले इसमें 7 ही देश हुआ करते थे, इसमें सबसे नया देश है दोस्तों अफगानिस्तान, इसका सबसे नया देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद जो सार्क का उद्देश्य है दोस्तों क्या है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में क्या करना, क्षेत्रीय सहयोग, जैसे कि इंडिया किसकी मदद कर रहा है, इंडिया मालदीव्स की मदद कर रहा है। ठीक है, इंडिया किसकी मदद कर रहा है दोस्तों, इंडिया मालदीव्स की मदद कर रहा है, जो कि आपका सार्क के अधीन आने वाला छोटे देशों, मालदीव्स और भूटान बहुत छोटे देश है। ठीक है, फिर आपका नेपाल बांग्लादेश भी आता है। तो ये हो गया, इतना क्लियर है आप लोगों का। तो ये आपका सार्क, और इन लोगों ने अपनी सार्क यूनिवर्सिटी भी बना रखी है, ध्यान रखिएगा इन्हीं की सार्क यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी स्थापित है कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा अभी हाल ही में अभी कौशल यूनिवर्सिटी बनी है, तो वैसे ही मनमोहन जी के शासन में 2006-07 के दौरान सार्क यूनिवर्सिटी की पहल रखी गई थी, जो कि बहुत बाद में बनी शुरू हुई है, लेकिन 2006-07 में इसकी सबसे पहले पहल रखी गई थी। ठीक है, सभी का क्लियर है। और ध्यान रखिएगा चूंकि संस्थापक देशों में बांग्लादेश आता है, तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना वो ढाका में ही हुई थी। ठीक है, ढाका में ही इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये चीजों को ध्यान रख करिए, छोटी मोटी चीजें होती है दोस्तों, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए, अगर दोस्तों एक चीज और आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी थर्ड विश्व, तीसरा विश्व और चौथा विश्व बोला, दुनिया को, पूरी दुनिया को दोस्तों चार विश्व में तोड़ा गया है। चार विश्व में आपका पहला विश्व वो है जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज है, जिन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया। दुनिया का दूसरा विश्व कौन सा है दोस्तों, दुनिया का दूसरा विश्व है दुनिया के वो विकसित और विकासशील देश, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन उनके पास तेल होना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास ऑयल है तो वो सेकेंड विश्व में आते हैं, इसके बाद जिसमें मैक्सिमम अरेबियन कंट्रीज आते हैं। इसके बाद तीसरा विश्व, तीसरे विश्व में दुनिया के सारे विकासशील देश आते हैं जिनके पास तेल भी नहीं है। चौथे विश्व, हम लोग तीसरे विश्व में आते हैं। चौथे विश्व के देश वो है दोस्तों जो पूरी तरह अंडर डेवलप्ड है, जैसे भूटान, नेपाल, आपका मालदीव्स, सेशल्स और अमेरिका में हैती। तो ऐसे करके दुनिया के जो अल्प विकसित देश है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जिसको IOCL कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में क्या किया है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समझौता हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाने के लिए हुआ है, किसके साथ, नॉर्वे के साथ ही समझौता किया गया।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको मैं बता दूं, नॉर्वे की ग्रीन स्टेट नॉर्वे नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी की इकाई भारत में काम करती है। तो उसको बताइए दोस्तों, ग्रीन स्टेट कंपनी। तो ग्रीन स्टेट जो नॉर्वे है, ग्रीन स्टेट नॉर्वे की जो सब्सिडियरी है, यानी कि उसकी जो इकाई है जो इंडिया में काम करती है, उनकी जो इकाई है जो इंडिया में काम करती है, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टेट H2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ग्रीन स्टेट H2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडियरी के रूप में काम करते हैं। तो इस कंपनी के साथ हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में समझौता किया है, और ये जो समझौता हुआ है दोस्तों, ये किसके लिए हुआ है? ये समझौता हुआ है हाइड्रोजन के लिए। तो यहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा, यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे हाइड्रोजन के लिए। तो ये जो समझौता है, इस समझौते को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CO सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, COEH। तो ध्यान रखिए, ये COEH क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि आपका उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, अब हमारी IOC और आपकी ग्रीन स्टेट H2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऐसे उत्कृष्ट केंद्र बनाएंगे या ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जो कि हाइड्रोजन के लिए बनाए जाएंगे। तो इसके तहत दोस्तों, इसके तहत फ्यूल सेल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके तहत जो टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज के जो नॉर्वे की जो टेक्नोलॉजीज है उसका आदान प्रदान किया जाएगा। नॉर्वे अपनी टेक्नोलॉजी हमको देगा इस कंपनी के माध्यम से, वो ट्रांसफर होगी हम लोग की, इनकी टेक्नोलॉजी, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इनसे साझा करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूल सेल की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शेयरिंग भी की जाएगी, यानी दोनों देश आपस में अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे दोस्तों, शेयर भी करेंगे। तो इस तरीके से आपका ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और IOC ने समझौता किया है फ्यूल सेल बनाने के लिए, जो कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाइड्रोजन के रूप में जाने जाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग IOC की बात करें, जो कि एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनियां दोस्तों कितनी है, 10 महारत्न कंपनियां हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो IOC है, IOC का गठन कब हुआ था, 1959 में, ध्यान रखिएगा 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का क्या किया गया, गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन जो कार्यालय विभाग है वो इनका मुंबई में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, दिल्ली में है, लेकिन इनका जो विभाग है, जो क्रियान्वयन, जो एग्जीक्यूशन विभाग है, क्रियान्वयन विभाग जो है यानी एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो इनका मुंबई से होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते किए हैं, किसके लिए, फ्यूल सेल के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शेयरिंग करने के लिए, क्लियर हो गया दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें, ये ग्रीन स्टेट H2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कहां की कंपनी है, ये नॉर्वे की कंपनी है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग नॉर्वे की ही बात करते हैं, नॉर्वे एक कैसा देश है दोस्तों, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर मैं आपको बता दूं, तो ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो कंट्रीज है जो कि आपकी उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब कैसे देश हैं दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, क्लियर हो गया। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, और इनकी जो करेंसी है वो क्रोनर है, क्रोनर करेंसी में ये लोग अपना सिस्टम चलाते हैं। नॉर्वे और जो आपका स्वीडन है ये अड़ोसी पड़ोसी देश है, और दोनों की करेंसी इनकी क्रोनर में चलती है। और नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है दोस्तों वो कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे कहां दिए जाते हैं, बाकी सारे आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और सबसे आखिरी में आने वाला जो नोबेल अवार्ड था वो 1968 में अर्थशास्त्र का अवार्ड था, जो सबसे लास्ट में आया था, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, ये चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इंडोनेशिया के साथ अभी हाल ही में हम लोग ने जो पढ़ा था पासिफिक अभियान हुआ, मालदीव को इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है, तो एक बार इसको रिविजन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके जो IOC है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसके जो अभी चीफ है शशिकांत जी, शशिकांत माधव करके इनका नाम है, वो IOC के क्या है, चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, अभी हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा यानी कि लेदर टेक्नोलॉजी पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समझौता इथोपिया के साथ हुआ है, जो कि एक ऐसी कंट्री है जो कि एक
ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, एक नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है इथियोपिया। तो इथियोपिया के साथ इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने वीजा फैसिलिटी प्लस जो लेदर टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत लेदर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है। और अगर आपको देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर और उन्नाव शहर में आ सकते हैं, जो कि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए हैं, जो SEZ बोले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेदर टेक्नोलॉजी में भारत का यूपी का क्षेत्र बहुत फेमस है, जिनमें आपका आगरा, आगरा के साथ नोएडा, नोएडा के साथ दोस्तों कानपुर, कानपुर के साथ उन्नाव, ये कानपुर का पड़ोसी ही है। तो इन इलाकों में भारत में लेदर बहुत फेमस है। मैं आपको बता दूं, यहां पर इस इलाके को SEZ भी कहते हैं। SEZ क्या होता है दोस्तों, इसको होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र। ये जब इलाके घोषित कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो मजदूर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं बहुत मिलती है। तो ये सेज होता है, ठीक है, क्लियर है सभी का। और जहां पर सेज घोषित किया जाता है वहां पर 70% जो लैंड सर्फेस होता है वो कर्मचारियों के फायदे के लिए होता है, बाकी 30% पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसको सेज बोलते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। तो वीजा फैसिलिटी के लिए और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया ने इथियोपिया के साथ क्या किया है दोस्तों, समझौता किया है, जिसमें अभी हाल ही में दोस्तों इथियोपिया के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर है या इथियोपिया के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है डेमेके मैकोनन ने अभी हाल ही में भारत की यात्रा भी की है, ठीक है। तो डेमेके मैकोनन ने विदेश यात्रा की, और विदेश यात्रा के दौरान ये कहां पर भी आए थे, ये भारत भी आए। और इसी यात्रा के दौरान हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे स्वदेश के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इनकी क्या हुई, एक द्विपक्षीय बैठक हुई। और इस बैठक में इस प्रकार का जो वीजा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी पर क्या किया गया है, समझौता किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेदर से रिलेटेड इंडिया का जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनमें हमारे कानपुर में भी लेदर टेक्नोलॉजी का कॉलेज बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चमड़ा प्रौद्योगिकी और वीजा फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर इथियोपिया से हमने समझौता किया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया की हम लोग बात करें तो इथियोपिया के जो पड़ोसी देश है उनमें आपका इरिट्रिया आता है, ये भी बहुत छोटा देश है। एक देश आता है दोस्तों जिबूती, डी साइलेंट है और बाकी इसको जिबूती कहते हैं। और एक और दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है जिसका नाम है सोमालिया। तो ये जो चारों देश है ना दोस्तों, इन चारों देशों को अफ्रीका में दोस्तों कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग भी कहते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सींग की तरह बाहर की ओर निकले हुए हैं। जैसे कि सोमालिया बहुत निकला हुआ है तो वहां पर इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में लेदर टेक्नोलॉजी और वीजा फैसिलिटी के लिए इंडिया ने किससे समझौता किया है, इथियोपिया से। और दोस्तों आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट सिटी आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल को मंजूरी दी कि केरल सरकार क्या कर सकती है। केरल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो पारंपरिक पुरानी जो आंगनबाड़ी व्यवसाय क्या होती है दोस्तों, इनको बोलते हैं आपके जो आंगनबाड़ी व्यवसाय होती है, जो कि छोटे बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर होते हैं, जहां पर बच्चों को प्रशिक्षित और उनको नैतिक चीजें सिखाने के लिए बचपन में जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए आंगनबाड़ियां बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक पारंपरिक व्यवस्था है भारत की, और इस पारंपरिक व्यवस्था को केरल गवर्नमेंट यानी कि पिनाराई सरकार ने, केरल गवर्नमेंट ने 48 आंगनबाड़ियों को, ध्यान रखिए दोस्तों इसको स्मार्ट बोला गया ना, तो ये आपका जो पारंपरिक जो आंगनबाड़ी व्यवस्था है उसको एक बार डेवलप किया गया है। और यहाँ डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पर पहले से ही चीजों को डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। तो आपका जो 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के अलग अलग भवन बनाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के लिए जो भवनों का निर्माण होगा वो केरल के अलग अलग शहरों में किया जाएगा। तो ये भवनों का निर्माण करने के लिए वहां का जो विभाग है उसने इसको मंजूरी दे दी है, जो कि पिनाराई गवर्नमेंट ने इसकी पहल करेगी। पिनाराई कौन है दोस्तों, पिनाराई आपके केरल के मुख्यमंत्री है, ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री, ठीक है, क्लियर है सभी का। तो इस चीज को मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल है, और पिनाराई जी यहाँ के क्या है, केरल के मुख्यमंत्री है, जिनकी मदद से ही, जिनकी स्वीकृति से ही
48 स्मार्ट आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो 48 आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है जो कि स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब कि जो डिजिटलाइज की जा रही है, ये पारंपरिक व्यवस्था पर ही चलेंगी लेकिन ये सारा सिस्टम डिजिटल तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। ये दोस्तों क्यों किया जाता है या फिर ये कैसे किया जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ध्यान रखिएगा 1975 में भारत के जो विपक्षी नेता थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, कभी आपने इनका नाम सुना होगा, मोरारजी देसाई ने ही सबसे पहले पहल की थी आंगनबाड़ी की पहल, या पितामह आंगनबाड़ी के फादर जो बोले जाते हैं वो आपके मोरारजी देसाई बोले जाते हैं, इन्होंने आंगनबाड़ी की सबसे पहली पहल की थी 1975 में। ठीक है, और आंगनबाड़ी की पहल करके इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, उस स्कीम को दोस्तों बोला गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप एकीकृत शिशु विकास स्कीम बोलते हैं। यह स्कीम भी 1975 में ही स्टार्ट की गई थी और इसी स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स अनुमतियां देती हैं दोस्तों, इसी स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स अनुमतियां देती हैं कि उनके राज्यों में क्या बनाया जाए, आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोरारजी देसाई जी ने किया था 1975 में किया था। ठीक है, बाकी 1978 में इसकी सरकार भी बन गई थी, 1977 में 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, और ये वही मोरारजी देसाई है जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। एक बात, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक समय सबसे ज्यादा बजट पेश इन्होंने किए थे, वित्त मंत्री भी रहे ये मोरारजी देसाई। ये वही है जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, यानी पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी, और ये वही मोरारजी देसाई है जिन्होंने 1978 में पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर रोलिंग प्लान लागू किया था, और ये रोलिंग प्लान 1978 में लागू हुआ था, जो अभी अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई है तो इन्होंने 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को रोककर इन्होंने भी रोलिंग प्लान ही लागू किया है, जो कि मोरारजी देसाई के फॉर्मूले पर ही क्या है बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पर केरल की बात करें तो केरल के बारे में बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में केरल में नेचुरल गैस की पाइपलाइन शुरू हुई, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन दोस्तों कराची आपके कोची से लेकर कर्नाटका के मंगलूर तक स्टील आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुरू की है। ठीक है, इसके बाद अगर केरल की और बात करें तो वन स्कूल वन आईएस की जो योजना चली है वो गरीब बच्चों को निशुल्क जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो आईएस बनने की उम्मीद रखते हैं या चाहते हैं कि वो सिविल सेवा में जाएं, तो उनके लिए फ्री में एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ये वही केरल है दोस्तों जहां पर फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत की गई है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फाइबर ऑप्टिक्स के तहत ही केरल स्टेट में पूरी तरीके से वाईफाई सिस्टम लागू हो चुका है, जो कि केरल में इंटरनेट पूरी तरीके हो गया है, फ्री हो गया, तो किसी को इसकी क्या नहीं होती है, किसी को इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वहां पर नेट के पैक की जरूरत भी नहीं है। ये वही केरल स्टेट है दोस्तों जहां पर अभी हाल ही में अल्लापुजा में संग्रहालय बनाया गया, जहां पर आपका मजदूरों के आंदोलनों से रिलेटेड, प्राचीन आंदोलनों से रिलेटेड एक संग्रहालय बना है, जो उनके बारे में म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, सभी का क्लियर है दोस्तों। तो ये केरल के बारे में योजनाएं थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, आज के लिए करंट अफेयर्स आपकी इतनी ही है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा #modi_rozgar_2 आप लोग जरूर ट्वीट करिए, क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है और हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको जरूर जिताएंगे, आप जरूर जीतेंगे, लेकिन आप अपने होप मत खोइए और लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ाई लड़ाई दोनों ही जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लड़ाई नहीं करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा नहीं, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर से मैं सुबह आपको 7 बजे करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। आज के लिए इतने रखते हैं,